यदि माँ और बड़ी बहन मशहूर अभिनेत्री हैं, तो जान लीजिए कि बेटी और छोटी बहन को उतनी सफलता नहीं मिलने वाली है। यदि किसी माँ की बेटी पॉपुलर स्टार हो जाए, तो मान लीजिए कि बेटी के नाम से माँ पहचानी जाएगी। फिल्मी दुनिया में ऐसा होता है और हुआ भी है अभिनेत्री तनुजा के साथ। माँ शोभना समर्थ और दीदी नूतन की छोटी बहन और काजोल की माँ तनुजा एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री होते हुए भी पीछे ढकेल दी गई। आज वो काजोल तनीषा की माताश्री और अजय देवगन की सास के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। अपनी प्रतिभा को सवारने या निखारने के लिए तनुजा भी एक हद तक दोषी रही हैं। बचपन में उसे माँ तथा दीदी का इतना अधिक लाड़ प्यार मिला कि 50 के दशक में वो टॉम बॉय घोषित कर दी गई। पार्टियों में वो खुले कपड़े पहनती थी, सिगरेट और शराब खुले आम पीती थी। चेहरे पर नकाब या मुखौटा लगाकर समाज में जाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को बंबई में हुआ था। 50 के दशक में हिंदी फिल्म की नायिकाओं के लिए पति को परमेश्वर और घर को स्वर्ग बनाए रखने के रोल मिला करते थे। ऐसे में कोई निर्माता भला तनुजा को क्यों साइन कर लेगा? उनकी पहली फिल्म छबली 1960 में आई, जो माँ शोभना समर्थ ने प्रोड्यूस की थी। इसके बाद केदार शर्मा ने अपने बेटे अशोक को लॉन्च करने के लिए हमारी याद आएगी फिल्म बनाई। स्वाभाविक था, पूरी फिल्म में अशोक पर कैमरा मेहरबान था, तनुजा को कम फुटेज मिला। तनुजा में उस दौर की नायिकाओं से होड़ लेने की कोई इच्छा शक्ति भी नहीं थी, लेकिन अपने खिलडन स्वभाव और आदतों की वजह से गीता बाली की नटखट परंपराओं को उन्होंने जीवित रखा। दीदी नूतन को बड़े बैनर, बड़े डायरेक्टर और निर्देशन में लगातार फिल्में मिलती गईं। तनुजा के नसीब में ये सब कुछ नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने कुछ उम्दा फिल्मों में उम्दा भूमिकाएं कर अपने प्रतिभा को दर्शाया है। देवानंद की फिल्म ज्वेल थीफ में वैजयंती माला हीरोइन है, लेकिन तनुजा पर फिल्माया गाना रात अकेली है को उन्होंने अपने बलबूते पर लोकप्रिय बनाया। इसी तरह बच्चों तथा बड़ों दोनों प्रकार के दर्शकों में लोकप्रिय फिल्म हाथी मेरे साथी में तनुजा के हीरो राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में तनुजा का यादगार रोल है। बिमल रॉय जैसे निर्देशक ने नूतन को लेकर बंदनी और सुजाता जैसी नायिका प्रधान कालजयी फिल्में बनाई। इसी प्रोडक्शन की हास्य फिल्म दो दुनी चार तनुजा के हिस्से में आई। शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर यह फिल्म आधारित थी। बसु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित अनुभव में तनुजा ने एक पत्र के संपादक की अपेक्षित पत्नी का रोल संजीदगी से निभाया था। पति पत्नी के रिश्ते पर बसु भट्टाचार्य की अनुभव पहली फिल्म थी। सफलता को अपने नजदीक न आते देख तनुजा ने सेकेंड लीड वाले रोल स्वीकारना शुरू कर दिए। राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में वो ऐसे ही रोल में है। बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी की पहली फिल्म पवित्र पापी में तनुजा का अविस्मरणीय अभिनय रहा है। ये तनुजा का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जब जब उन्हें अच्छे बैनर या डायरेक्टर की फिल्में मिली, कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो गई। गुरुदत्त ने बहारें फिर आएंगी में तनुजा को लिया तो उनकी आकस्मिक मौत हो गई। जैसे तैसे भाई आत्मराम ने फिल्म पूरी की, मगर वो मार खा गई। तनुजा की एक दिक्कत ये भी रही है कि हमेशा उनके अभिनय की तुलना दीदी नूतन से की जाती रही। एक अच्छी संभावना वाली तारिका होते हुए भी तनुजा पहली पंक्ति में कभी नहीं आ सकी। बीच में पति शोमू मुखर्जी से हुआ अलगाव भी उन्हें गुमनामी के अंधेरे में ले गया। आज काजोल जैसी सफल नायिका की माँ होना उनके लिए गर्व की बात है। काजोल के चुलबुले शोखी भरे अभिनय में हमें तनुजा की मस्ती भरी अदाओं की झलक मिलती है। इसके बाद वो भाभी, मौसी या माँ के रोल करने लगी। कुछ धारावाहिकों में भी अभिनय किया। जब बिटिया काजोल बड़ी हो गई तो उनका करियर संवारने में वो पर्दे के पीछे चली गई। कुछ बंगाली फिल्में और एन ऑगस्ट रिक्वेम अंग्रेजी फिल्म भी तनुजा की फिल्मोग्राफी में शामिल है।